गेड़ा लैके बह गया ताइन आख्या नहीं मिला हाथ ला लिया। हाँ जी करेंगे आज उत वक्त नहीं होती हर बंद यही कोशिश एक मार दी उधर ने तो हां दो तीन मिनट रह गए ये बस बात लड़ी है लोग बोर्ड वाले को पूछा जाता है फिर इधर साइड पे लगा लिए और दम तो डबल कर लो दम के लाल पे पहुंचे तो बच्चा एक मिनट का
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। दोस्तों आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब भाई फ़कीर हुसैन की छत पे। उस दिन कबूतरों को स्टैंप पे लगा दी गई हैं, बस एक मिनट बाकी है, एक मिनट बाद ये कबूतर माशाल्लाह मैं पे परवाज़ होंगे। इसी टूर्नामेंट, तीन टूर्नामेंट में कबूतर उड़ाए जाएंगे आज। पहला टूर्नामेंट है छठा उस्ताद नज़ीर पहलवान महरूम, उनके नाम से टूर्नामेंट करवाया जाता है। जनाब उस्ताद सरदार और उस्ताद शहबाज वाबडा जो कि टूर्नामेंट मुनक्कद करवाते हैं। तो आज इस टूर्नामेंट की मुकम्मल रिपोर्ट जो है इंशाल्लाह आपको लम्हा लम्हा मिलेगी। जी तो दोस्तों आज कसूर सिटी में तीन टूर्नामेंट उड़ाए गए हैं। एक टूर्नामेंट है रोडकोट से जनाब उस्ताद सरदार और उस्ताद शहबाज साहब शहबाज वाबडा उनकी तरफ से मुनक्कद करवाए गए हैं। एक और एक मुसवाबाद से जनाब सरवर साहब उनकी तरफ से, और एक उस्ताद अजहर उस्ताद नियाजी पार्टी और उस्ताद मीमाजी साहब की तरफ से मुनक्कद करवाया गया। तीनों का तीनों टूर्नामेंट का आज पहला दिन है। उस्ताद सरदार साहब वाला जो टूर्नामेंट वो दो रोज़ है, सरवर भाई वाला जो कि टूर्नामेंट वो एक रोज़ा टूर्नामेंट है, और उस्ताद जो नियाजी ब्रादरान की तरफ से टूर्नामेंट करवाया गया वो तीन रोज़ा टूर्नामेंट है। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट की जो लम्हा रिपोर्ट है वो दोस्तों आपसे शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आएगी तो कुछ देर बाद आपके द्वारा लाइव हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ छत के मनाजर आपके लिए। माशाल्लाह जी एक अच्छे पॉइंट पे छत है। Ha ha ha!
ਹਾਂ।